वेलकम टू ओनली आइए, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 3 अगस्त 2019। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला आर्टिकल इंडस स्क्रिप्ट के बारे में है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसी के संबंध में ये आर्टिकल है। देखते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि हाल ही में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया है। रिसर्च पेपर किसने पब्लिश किया है? इसे पब्लिश किया गया है पैलग्रेव कम्युनिकेशन, जो कि नेचर ग्रुप का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जर्नल है। इसमें क्या क्लेम किया गया है? इसमें क्लेम ये किया गया है कि इंडस वैली जो इंस्क्रिप्शंस हैं उन्हें लोगोग्राफिकली लिखा गया है, ना कि फोनोग्राम्स में, जैसा कि हम पहले सोच रहे थे या समझ रहे थे। फोनोग्राम्स का मतलब क्या होता है? फोनोग्राम्स का मतलब जो आज कल की जो आप स्क्रिप्ट देखते हैं या इंस्क्रिप्शन देखते हैं वो फोनोग्राम्स में है। फोनोग्राम्स का मतलब होता है जो एक यूनिट होती है स्पीच या साउंड की, जैसे कि जब हम अपनी जुबान से बोलते हैं अ या ए, एक्चुअली में ये हमारे द्वारा निकाले गए एक साउंड का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। लोगोग्राफिकली का क्या मतलब होता है? लोगोग्राफिकली का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कुछ चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है, वो साउंड नहीं होते, जैसे अ या ए या फिर बी या ब, ये एक्चुअली में हमारे द्वारा निकाले गए साउंड्स हैं जिनको हमने कुछ फिजिकल मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट कर दिया है, उसे हम लिख देते हैं। लेकिन लोगोग्राफिकली में कुछ चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ये स्वास्तिक का चिन्ह है। अगर आप इसे किसी सिंबल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्वास्तिक के चिन्ह का कोई ऐसा साउंड नहीं है जो आप अपने मुंह से या जुबान से निकाल सकें, कंठ से बोल सकें। तो ऐसे चिन्हों का इस्तेमाल जब किया जाता है किसी इंस्क्रिप्शन में तो उसे लोगोग्राफिक इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। कई सारी जो जैपनीज और चाइनीज लैंग्वेज हैं वो आज भी लोगोग्राफिक ही हैं, वहां पर चिन्हों का इस्तेमाल करके ही लैंग्वेज को कन्वे किया जाता है, शो किया जाता है, लिखा जाता है। तो लोगोग्राफिक लैंग्वेज का इस्तेमाल अभी भी होता है चाइनीज और जैपनीज लैंग्वेजेस में। तो ऐसा मानना है रिसर्चर्स का कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट थी वो लोगोग्राफिक थी, ना कि फोनोग्राम्स में, जैसा कि क्लेम किया जाता था या फिर रिसर्चर्स में ऐसा कहने का प्रयास किया जाता था कि ये साउंड्स हैं जिनको अलग अलग तरीके से लिखा गया है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। इस पेपर का नाम क्या था? पेपर का नाम था इंटरोगेटिंग इंडस इंस्क्रिप्शन टू अनरिवील देयर मैकेनिज्म ऑफ मीनिंग कन्वीनियंस। इंटरोगेटिंग इंडस इंस्क्रिप्शन, इंडस इंस्क्रिप्शन को इंटरोगेट करना है। कैसे इंटरोगेट करना है? कि हम ये पता कर सकें कि उनकी मीनिंग कैसे निकलती थी। अब यहाँ पर इस रिसर्च पेपर का ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि डिसिफर किया जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो इंस्क्रिप्शन हैं उनमें क्या लिखा है। सिर्फ इतना पता करने का प्रयास किया जा रहा था कि कैसे मैसेज कन्वे किया जाता था। तो इन्होंने ये पता करने का प्रयास नहीं किया कि एक्चुअली में उसमें लिखा क्या है, सिर्फ ये पता करने का प्रयास किया गया था कि कैसे लिखा गया है। तो ये बात पता चल गई या एज पर दिस रिसर्च कि जो बातें लिखी गई हैं वो साउंड में नहीं लिखी गई हैं बल्कि इमेजेस में लिखी गई हैं, और उनका अपना कुछ मतलब होता रहा होगा उस समय जिसके हिसाब से लोग कम्युनिकेट करते होंगे या उन चीज़ों को समझा करते होंगे। की फाइंडिंग्स, जो मेजोरिटी ऑफ द इंडस वैली इंस्क्रिप्शंस हैं वो लोगोग्राफिक हैं, यही बात बताई गई, ना कि फोनोग्राम्स में, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो इंस्क्रिप्शंस हैं उन्हें स्ट्रक्चर्ड मैसेज से कंपेयर किया जा सकता है, जो आजकल हम अक्सर स्टैम्प्स पे या कूपन्स पे या टोकन्स पे या करेंसी पे देखा करते हैं, कॉइन्स पे देखा करते हैं। जैसे आज कॉइन्स पर आपको 3 मुंह वाला शेर दिख जाता है, या वेरियस इमेजेस आपको बैंक नोट्स पर दिख जाती हैं जिनका अपना एक मतलब होता है, ठीक है। वैसे ही उस समय भी इमेजेस का इस्तेमाल किया जाता था। एक पॉपुलर हाइपोथेसिस ये हुआ करती थी इसके पहले कि जो भी सील्स या फिर हमें प्लेट्स मिली हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उनमें जो चीज़ें लिखी गई हैं वो एक्चुअली में प्रोटो द्रविनियन या प्रोटो इंडो यूरोपियन नेम्स हैं। मतलब वो जो चीज़ें उस पर लिखी गई हैं वो एक्चुअली में नाम लिखे गए हैं जो कि सील ओनर्स के हैं। लेकिन इस रिसर्च के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, ये बात या ये हाइपोथेसिस गलत थी, क्योंकि उस पर कुछ इमेजेस हैं, वो किसी के नाम नहीं है, और उन इमेजेस का उस समय कुछ मतलब रहता होगा। इस पेपर के मुताबिक जो ज़्यादातर एंशिएंट स्क्रिप्ट हुआ करती थी उनमें रेबस मेथड का इस्तेमाल किया जाता था। रेबस का मतलब होता है पजल, पजल आप समझते हैं ना, पहेलियाँ। तो रेबस मेथड का इस्तेमाल पास्ट में कई तरीके की स्क्रिप्ट्स में किया गया है। रेबस मेथड में होता यह है कि कुछ ऐसी पिक्चर्स को आपस में मिक्स करके वर्ड्स बनाए जाते हैं या उनकी मीनिंग निकाली जाती है। जो व्यक्ति उस स्क्रिप्ट को नहीं जानता वो उसका मतलब नहीं समझ पाएगा। रेबस मेथड क्या होता है अभी हम और डिटेल में समझ लेंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि इस पूरी रिसर्च में कहीं भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की
इंस्क्रिप्शंस को डेसिफर नहीं करने का प्रयास किया गया है और ये डिसिफर हो भी नहीं पाए हैं आज तक। इंडस वैली इंस्क्रिप्शंस को आज तक डिसिफर नहीं किया जा सका है। उसका कारण क्या रहा? कारण ये रहा क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की कोई बाइलिंगुअल टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जब बाइलिंगुअल टेक्स्ट हमारे पास होता है तो हम कंपेयर कर लेते हैं, जैसे सेम चीज़ दो भाषाओं में लिखी है तो यहाँ पर इस चीज़ का क्या मतलब है और ऐसी कौन सी चीज़ है जो यहाँ पर मतलब निकाल रही है, कंपेयर करके मीनिंग निकाली जा सकती है। लेकिन इंडस वैली की जो स्क्रिप्ट मिली है वो केवल एक ही लैंग्वेज में मिली है, मतलब उसका कोई भी ट्रांसलेटेड वर्जन हमें नहीं मिला है। दैट्स वाई उसे डेसिफर करना बहुत मुश्किल हुआ है, आज तक हम उसे डेसिफर इनफैक्ट नहीं कर पाए हैं। तो देखिए ये तो एक कारण रहा जिसकी वजह से हम इंडस वैली की स्क्रिप्ट को डेसिफर नहीं कर पाए। दूसरा कारण ये है कि बहुत ही ब्रीफ में लिखा गया है इन इंस्क्रिप्शंस को। और तीसरा कारण ये है कि हम उनकी लैंग्वेज नहीं जानते। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आखिर आज तक इंडस वैली की स्क्रिप्ट को क्यों नहीं खोजा जा सका, तो आप तीन कारण बता सकते हैं। पहला तो उसका कोई बाइलिंगुअल टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, दूसरा बहुत ही ब्रीफ में लिखा गया है, और तीसरा हम उनकी लैंग्वेज नहीं जानते। अब रिवर्स मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। एक कॉमन परसेप्शन ये रहा स्कॉलर्स का कि जो इंडस स्क्रिप्ट लिखी गई है वो लोगो सिलेबिक है। लोगो सिलेबिक का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सामान्य भाषा में बताता हूँ। लोगो सिलेबिक का मतलब ये होता है कि उसमें एक चिन्ह का, मतलब एक सिंबल का, एक तो एक वर्ड के तौर पर कुछ मतलब होता है, एट द सेम टाइम उसी सिंबल को जब किसी और सिंबल के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसका दूसरा मतलब निकल के आ जाता है। जैसे कि ये एक सिंबल है, इसका अपना एक मतलब है, और जब इसे एक दूसरे सिंबल के साथ जोड़ दिया जाएगा तो इसका एक और ब्रॉडर मतलब निकल के आ जाएगा। और इसी मेथड को कहा जाता है रेबस मेथड या रेबस प्रिंसिपल। रेबस का मतलब होता है पजल। जब दोनों को जोड़ा जाता है तो एक्चुअली में एक पजलिंग सिचुएशन आ जाती है। अगर आप इन पजल्स के रूल्स रेगुलेशंस नहीं जानते तो आपको उस लैंग्वेज को समझने में दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं। सपोज करिए कि ये एक हनी बी है, तो हनी बी यानी कि बी का अपना एक मतलब है, और ये है एक पत्ती जिसे कहा जाएगा लीफ, तो लीफ का अपना एक मतलब है, ठीक है। अब दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा, जब दोनों चिन्हों को एक साथ जोड़ दिया जाएगा तो इनका एक अलग मतलब निकल के आएगा। हनी बी का अपना एक मतलब है, लीफ का अपना एक मतलब है, और जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो इसका मतलब निकल के आएगा विश्वास या फिर बिलीफ। बी और लीफ दोनों मिल गए, मतलब हनी बी का चिन्ह मतलब बी और लीफ का मतलब लीफ, और दोनों को मिला के बनाया तो बन गया बिलीफ यानी कि विश्वास। तो इसी मेथड को कहा जाता है रेबस मेथड या रेबस प्रिंसिपल। आपको ये समझ में आ गया कि दो सिंबल्स का अपना इंडिविजुअल मतलब भी होता है, दोनों को जोड़ देते हैं तो एक पजल तैयार होता है, जो इनके रूल्स को समझता है वो इसके मतलब को निकाल सकता है। तो हो सकता है ऐसा ही रेबस मेथड इंडस के इंस्क्रिप्शंस का भी हो, जिसके रूल्स रेगुलेशन हम नहीं जानते, दैट्स वाई अभी तक हम उसे डेसिफर नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए। अगला आर्टिकल कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि गिरिराज प्रसाद गुप्ता को अभी हाल ही में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट अपॉइंट किया गया है 1 अगस्त 2019 के लिए। अब इसके बारे में कुछ बेसिक बातें आपको बता देता हूँ। देखिए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट पर बात करने से पहले आपको दो बातें जान लेनी चाहिए। सबसे पहले तो अकाउंट होता क्या है, और दूसरा ऑडिट क्या होता है। ऑडिट और अकाउंट में आप मतलब समझ लेंगे तो फिर आपको बात क्लियर हो जाएगी। देखिए जो भी खर्चा किया जाता है या जो भी रिसीट होती है, एक्सपेंडिचर होता है, उसे एक जगह पर लिख देना, मेंशन कर देना, और उसे कैसे मेंशन करना है, ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग का भाग है। और जब इसे देखा जाता है कि जो चीज़ें लिखी गई हैं या जो अकाउंट बनाया गया है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छी तरीके से फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है, जब इस चीज़ को देखा जाता है तो इसे कहा जाता है ऑडिट करना, यानी कि जाँच पड़ताल करना। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पिताजी आपको हर महीने 10,000 का खर्च देते हैं, ठीक है, और उस खर्च को उन्होंने पहले बता रखा है कि आपको कितना रेंट देना है, कितना बुक्स के लिए खर्च करना है। फिर चूंकि आपके पिताजी थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, वो आपको पैसे देने से मना तो नहीं करते लेकिन वो चाहते हैं कि आप पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो आपसे कहते हैं कि आप जो भी खर्च करें उसे महीने के अंत में एक डायरी में लिखकर उन्हें बता दें कि आपने कौन सा पैसा कहाँ खर्च किया। अब आपने 10,000 जो भी एक्सपेंडिचर किया उसे एक डायरी में मेंशन कर दिया, ये है अकाउंट। ये जो फंक्शन आपने किया ये अकाउंटिंग का फंक्शन है। फिर वो डायरी पिताजी के पास जाएगी और पिताजी इसे चेक करेंगे कि जो पैसा जहाँ खर्च करने के लिए दिया गया था आपने उसे वहीं खर्च किया है या नहीं। इसे कहा जाएगा ऑडिट, मतलब पिताजी ऑडिटिंग कर रहे हैं। देखिए हमारे संविधान में आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 के बीच में कैग के बारे में बात की गई है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब समझने वाली बात यह है कि इसके शुरुआती दौर में जो कैग था वो अकाउंट्स भी मेंटेन करता था, ऑडिट भी करता था। मतलब ये काम जो अभी CGA किया करता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट किया करता है, ये काम इनिशियली कैग ही किया करता था। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट आता था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये आ जाता था कि जो अकाउंट मेंटेन कर रहा है वही ये भी देख रहा है कि अकाउंट अच्छे से मेंटेन हुआ है या नहीं हुआ है। ये बात तो बिल्कुल वही हो जाएगी कि आपने ही डायरी में ये लिखा कि कौन सा पैसा आपने कहाँ खर्च किया है और फिर आप ही ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो पैसा सही जगह पर खर्च हुआ है या नहीं हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, आप ये कभी भी नहीं कहेंगे कि आपने गलत जगह पर खर्चा किया है। इसी चीज़ को हटाने के लिए बाद में कैग से
अकाउंटिंग का काम खत्म कर दिया गया कैग। हालांकि स्टेट्स की, चूंकि कैग पूरे भारत देश के लिए एक ही होता है, तो स्टेट्स का अकाउंट आज भी कैग ही मेंटेन करता है, लेकिन सेंटर लेवल पे अकाउंट को मेंटेन करने के लिए एक नई बॉडी बना दी गई, नाम दिया गया कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। जो CGA है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करता है। ये इंडिया की एपेक्स अकाउंटिंग अथॉरिटी है। ये प्रिंसिपल एडवाइजर हैं अकाउंटिंग के मैटर्स में यूनियन गवर्नमेंट के लिए, मतलब सरकार को यही एडवाइस करते हैं कि अकाउंटिंग के लिए क्या क्या मेथड्स अपनाए जाने चाहिए या उसे कैसे किया जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनिशियल फेज में जो अकाउंटिंग का काम था वो कैग ही किया करता था, और कैग अकाउंटिंग के काम को कैसे करेगा इसके बारे में आर्टिकल 150 में मेंशन किया गया था। तो 150 जो आर्टिकल था वहीं से इनकी पावर्स को डिराइव किया जाता है, और अकाउंटिंग का काम CGA आर्टिकल 150 से डिराइव करता है, लेकिन CGA का कोई जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। दैट्स, ये रिस्पॉन्सिबल है कई सारे कामों के लिए। अकाउंटिंग सिस्टम जो हमारा है उसे मैनेज करने का काम इन्हीं के पास है, कुछ और भी इनके काम है, पॉलिसीज को फ्रेम करना, जनरल प्रिंसिपल्स तैयार करना, प्रोसीजर्स तैयार करना कि सरकार कैसे अपने अकाउंट्स को मेंटेन करेगी, और पूरे प्रोसेस को एडमिनिस्टर करना, मतलब जिस जो प्रोसेस इन्होंने बताया है कि कैसे पैसे खर्च किए जाएंगे या कैसे अकाउंट्स को मेंटेन किया जाएगा, कैसे रिसीट को मेंशन किया जाएगा, वो फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। ये प्रिपेयर करते हैं पूरी रिपोर्ट, उसे अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं, और ये अपना एक मंथली एनुअल अकाउंट तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबमिट कर देते हैं। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं अकाउंटिंग के उनको डिसाइड करें, बताएं कि किस स्टैंडर्ड पे अकाउंट मेंटेन किया जाएगा, पूरे बैंकिंग अरेंजमेंट को सरकार के मेंटेन करें, मैनेज करें, और ये कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेशन भी मेंटेन करते हैं, या अगर इनको आवश्यकता पड़ी, चूंकि देखिए जो कैग रिपोर्ट तैयार करता है वो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में रख देते हैं, और पार्लियामेंट में वो रिपोर्ट खंगालता कौन है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, अब आप समझिए कि अकाउंट किसने तैयार किया, अकाउंट तैयार किया कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ने, इसी अकाउंट को ऑडिट किया कैग ने, और कैग ने जो रिपोर्ट दी प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ने उसको रख दिया पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट को खंगाल कौन रहा है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी को दिक्कत तो हो सकती है ना, मतलब हो सकता है कुछ ऐसा लिख दिया गया हो अकाउंट में जो समझ में ना आए PAC को, या फिर कुछ कैग ने ऐसी रिकमेंडेशन दी उस अकाउंट को देखकर जो उन्हें समझ में नहीं आया, तो कैग को वो किसी भी समय बुला लेते हैं कि आप हमारी मदद कर दीजिए, हमें जो आपने रिकमेंडेशन दी है समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए कैग को फिलोसफर फ्रेंड और गाइड भी कहा जाता है PAC का, ये आपने पढ़ा होगा, है पॉलिटी का बेसिक है। और अगर उन्हें आवश्यकता पड़ी तो वो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट को भी बुला लेते हैं कि आप आइए हमें समझाइए कि अकाउंट कैसे मेंटेन किया गया है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो जो CGA है वो PAC के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है, और मान लीजिए कैग रिपोर्ट को खंगाल रहा है, ऑडिट कर रहा है, उन्हें समझ में नहीं आया अकाउंट कैसे मेंटेन किया गया है, तो भी वो CGA को बुला लेते हैं कि आप बताइए अकाउंट कैसे मेंटेन किया गया है। तो ये कोऑर्डिनेट करता है, कैग के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है। ये एक एनुअल बुकलेट तैयार करते हैं जिसका टाइटल होता है अकाउंट एट अ ग्लांस। और जो ग्रुप ए इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज है या ग्रुप बी के जो ऑफिसर्स हैं सेंट्रल सिविल अकाउंट ऑफिसेज में, उनका क्या कैडर होगा, कैडर मैनेजमेंट भी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट का ऑफिस ही किया करता है। तो ये टॉपिक हमने डिटेल कवर कर लिया, देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल टाइम रिलीज स्टडी के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट यह है कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी हाल ही में पहला नेशनल टाइम रिलीज स्टडी कंडक्ट करने का प्लान कर लिया है, जो कि अभी कंटिन्यू है। ये 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में चलेगा, जिसमें कार्गो का जो फास्टर मूवमेंट है दूसरे देशों में आना या जाना, उसे ये देखेंगे कि उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे ये होता है। और आसान भाषा में समझाता हूँ, कॉन्टेक्स्ट समझ जाएंगे तो टॉपिक समझ में आ जाएगा। इंडिया से कई सारे सामान का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है, पोर्ट के जरिए या फिर एयरवेज के जरिए। अब इसमें होता यह है कि कई तरीके की दिक्कतें होती हैं ट्रांसपोर्टेशन में, पोर्ट पे जो क्लियरेंस होता है, जो पेपर वर्क होता है, या फिर एयरपोर्ट पे जो क्लियरेंस पेपर वर्क होता है, उसमें कई सारे हिंड्रांसेस आते हैं। तो जो नेशनल टाइम रिलीज स्टडी होगी, इसमें यह स्टडी की जाएगी कि जो सामान देश के अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है उसमें एक्चुअली में कितना टाइम लग रहा है, इसमें कितनी ज़्यादा इफ़िशियंसी है, पेपर वर्क कितना टाइम ले लेता है, कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जब कोई व्यक्ति किसी भी सामान को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है तो उसे फेस करने पड़ते हैं वाइल ट्रांसपोर्टेशन। इन्हीं सारी चीज़ों को इस स्टडी में जांचने पड़तालने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, ये एक्सरसाइज 15 पोर्ट्स पर पूरे भारत में एक साथ की जा रही है, जो 81% टोटल इंपोर्ट की एंट्रीज कवर करते हैं, और एक्सपोर्ट के जो बिल्स होते हैं शिपिंग बिल 67% कवर करते हैं। मतलब ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, पहले इंडिविजुअली किया जाता था इस पोर्ट की एफिशिएंसी क्या है, इसकी क्या है, अब एक साथ ओवरऑल किया जाएगा। पूरे भारत में देखा जाएगा कि इन टोटल पोर्ट्स की जो एफिशिएंसी है वो कितनी बेहतर है। ये जो एक्सरसाइज है ये पहली बार हो रही है 1 से 7 अगस्त के बीच में, लेकिन इसके बाद ये हर साल इसी समय पे होगी। उद्देश्य ये होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर किया जाए, इंडिया की रैंकिंग बेहतर की जाए। ये एक्चुअली में ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स इंडिकेटर है एक, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग को इन्हेंस या रिड्यूस करता है। इंडिया ने इस इंडिकेटर पर अच्छा परफॉर्म किया था, इस बार की रैंकिंग में 146 से 80 रैंक पर हम आ गए थे, जिसकी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग भी इंप्रूव हुई थी।
जो टाइम रिलीज स्टडी है ये एक्चुअली में इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टूल है। किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये एक ऐसा तरीका है जिसका इस्तेमाल करके इंटरनेशनल ट्रेड फ्लो की इफेक्टिवनेस में या एफिशिएंसी में क्या क्या दिक्कतें आती हैं उसको मेजर किया जाता है। ये इनिशिएटिव जो है वो सरकार को और ज़्यादा अकाउंटेबल बनाएगा कि जो फिजिकल प्रॉब्लम्स या प्रोसीजरल बॉटलनेक्स आते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में उनको बेहतर तरीके से डील किया जाए या ख़त्म किया जाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने टाइम रिलीज स्टडी के बारे में डिस्कस किया। इसमें एक पॉइंट और बचा है, देख लीजिए, ये आइडेंटिफाई करेंगे क्या बॉटलनेक्स हैं और ट्रेड फ्लो को और बेहतर तरीके से हैंडल करेंगे, वही बात रिपीट की गई है। अगला आर्टिकल जीनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में है। कंटेक्स्ट यह है कि साइंटिस्ट जो जापान के हैं उन्होंने हाल ही में ह्यूमन ऑर्गन्स को एनिमल्स में ग्रो करने की तैयारी कर ली है। गवर्नमेंट की परमिशन मिलने के बाद ये पहला टेस्ट होगा जो किसी भी देश के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। देखिए, जीनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब ये होता है जब किसी एक जीव के ऑर्गन्स को किसी दूसरे जीव में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है जीनो ट्रांसप्लांटेशन। ये बात समझ में आ गई। ह्यूमन ऑर्गन के ट्रांसप्लांटेशन में एक बहुत बड़ा कंसर्निंग मुद्दा रहता है क्योंकि इसकी हमेशा कमी रहती है। कई सारे लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की लंबी लिस्ट में होते हैं, उनके जो जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है किसी व्यक्ति की उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ह्यूमन ऑर्गन्स का मिलना कई बार बहुत मुश्किल होता है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए जो जापान के साइंटिस्ट है वो एक अल्टरनेटिव तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें ये बताया गया है कि जो मॉडिफाइड एनिमल एम्ब्रायो होगा उसे ह्यूमन के इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल के साथ जोड़ दिया जाएगा। जो इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में वो इंसान की किसी भी बॉडी का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। यूजुअली जो एम्ब्रॉयो होता है जिसमें बच्चा होता है, जो थैली होती है जिसमें माँ के गर्भ में बच्चा पलता है, उसमें ये जो सेल्स पाए जाते हैं ये काफ़ी पोटेंट होते हैं। इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट जो स्टेम सेल्स होते हैं उन्हें प्रिजर्व भी किया जा सकता है और लंबे समय तक उनकी इस्तेमाल करके बहुत बाद में भी किसी ह्यूमन ऑर्गन को डेवलप करना है तो डेवलप किया जा सकता है। तो कुल मिला के जो इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके उस व्यक्ति के लिए किसी भी ह्यूमन ऑर्गन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एनिमल एम्ब्रॉयो के साथ उसे जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद उसे किसी जानवर के एम्ब्रॉयो में फीड कर दिया जाएगा, लाइक माइस, रैट या पिग्स। वो डेवलप हो जाएगा, उसके बाद उसे निकालकर भविष्य में, अभी ऐसा हुआ नहीं है, ये पहला स्टेप है कि हम किसी ह्यूमन ऑर्गन को एनिमल के अंदर ग्रो करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद भविष्य में अगर टेक्नोलॉजी अच्छी तरीके से बेहतर हो जाएगी तो जिस व्यक्ति का स्टेम सेल है, जिस व्यक्ति का इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट सेल है उसका इस्तेमाल करके उसके लिए किसी भी ऑर्गन को किसी एनिमल में ग्रो कर लिया जाएगा जिसका इस्तेमाल उसकी बॉडी कर पाएगी। तो जीनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं। इसका मतलब ये होता है कि दो जो एनिमल्स हैं या फिर जीव हैं उनकी सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन्स को जब एक दूसरे में ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसे जीनो ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। पोटेंशियल बेनिफिट ये होता है कि एक पोटेंशियल ट्रीटमेंट मिल जाता है ऑर्गन फेलियर के लिए। कई बार इंडिविजुअल्स के ऑर्गन फेल कर जाते हैं जिसके बाद जान बचाना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट करके जान बचाई जा सकती है। हालांकि कई तरीके के कंसर्न रेज किए जाते हैं जो मेडिकल, लीगल और एथिकल इश्यूज से जुड़े हुए हैं, जैसे कि जो पिग्स हैं कई बार उनके जो लाइफ स्पैन होता है बहुत छोटा होता है, शॉर्ट होता है। अगर उनके ऑर्गन्स का इस्तेमाल ह्यूमन बॉडी में कर दिया गया तो उनके ऑर्गन्स तेज़ी से एज होते हैं, मतलब उनकी उम्र जल्दी बढ़ जाती है और वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इंसान की मौत हो जाती है। डिसीज ट्रांसमिशन का खतरा होता है कि जो बीमारी है वो इंसान में फैल सकती है जो जानवर को हो या फिर पोटेंशियली होने की संभावना रही हो। परमानेंट अल्टरेशन हो सकता है जेनेटिक कोड का जिस व्यक्ति में वो दूसरे किसी व्यक्ति के या जानवर के ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया गया। ऐसे कई तरीके के एथिकल कंसर्न्स होते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन में। तो ये टॉपिक हमने यहाँ पे कवर किया। अगला आर्टिकल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल के बारे में है। एक जॉइंट वेंचर कंपनी है ये, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, बड़ा अच्छा सा नाम है इसका, काबिल। इसे सेट किया गया है 3 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को मिलाकर। 3 जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस हैं उन्होंने एक साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर लिया है और इस कंपनी को बनाया गया है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। अब कौन सी 3 कंपनीज हैं? पहली कंपनी है नालको, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। दूसरी कंपनी है SCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और तीसरी कंपनी है MECL यानी कि मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड, मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड। यहाँ पर देखिए जो इक्विटी पार्टिसिपेशन है नालको, SCL और MECL का वो किस रेशियो में है? 40-30-30 के रेशियो में है। नालको का जो इक्विटी पार्टिसिपेशन है वो 40% का है, जो SCL का है वो 30% का है और MECL का भी 30% का है। जो न्यूली सेटअप कंपनी होगी वो इस बात को इंश्योर करेगी कि लिथियम और कोबाल्ट की जो अवेलेबिलिटी है कंट्री को, जो आवश्यकता है उसे ये बेहतर तरीके से पूरा कर सकें। देखिए जो काबिल है वो कैरी आउट करेंगे आइडेंटिफिकेशन, एक्विजिशन, एक्सप्लोरेशन, मतलब वो पता करेंगे कि जो मिनरल्स हैं वो कहाँ पर हैं, उसका एक्विजिशन करना, फिर एक्सप्लोर करना, डेवलपमेंट करना, माइनिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाना कि उन जो मिनरल्स हैं उनको कैसे निकाला जाएगा, उनका कमर्शियल यूज़ कैसे किया जा सकेगा। जो एग्रीमेंट साइन किया गया वो मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस,
प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में न्यू दिल्ली में साइन किया गया। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर कवर किया। अब एक बार एक रिवीजन कर लेते हैं आज हमने क्या क्या कवर किया है। सबसे पहले हमने इंडस स्क्रिप्ट के बारे में डिटेल में चर्चा की है। लेटर ऑन हमने बात की कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA के बारे में। उसके बाद बात की गई टाइम रिलीज स्टडी के बारे में। देन हमने बात की जीनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। और अंत में जो हमने आर्टिकल देखा दैट वॉज खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल के बारे में। यहाँ पर जो हमारा ये सेशन है वो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।